नमस्ते गाइस, वेलकम टू जीके चालीसा। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1835। इनके टाइम पे चार्टर एक्ट 1833 पास्ड हुआ था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रोहिबिशन ऑफ सती 1829 में हुआ, किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 35। एलिमिनेशन ऑफ ठग्स 1830 में बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैकलेज रिकमेंडेशन, इंग्लिश वॉज द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सप्रेस्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइस। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लॉर्ड विलियम बेंटिक के ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। सेकेंड, लॉर्ड मैटकैफे, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया। इनको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया। लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फर्स्ट अफगान वॉर 1838 से 1842 तक। लॉर्ड एलनबोरो 1842 से 1844 तक, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध पर कब्जा बाय चार्ल्स नेपियर 1843। लॉर्ड हार्डिंज 1844 से 48, इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 1846, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846, लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड डलहौसी। और इसी में से ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण काम है वो लॉर्ड डलहौसी ने ही किए थे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डन बाय लॉर्ड डलहौसी 1848 से 1856। पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब है कब्जा करने की नीति, दूसरे शहरों पे कब्जा करना बाय डलहौसी, इसे कहते हैं शब्द कब्जा करने की नीति को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहौसी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेड डाउन फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे टू थाने 1853 में। बॉम्बे टू थाने 1853 में किसने रेलवे फर्स्ट रेलवे लाइन डाली? लॉर्ड डलहौसी ने। टेलीग्राफ लाइन डाली बिटवीन आगरा एंड कलकत्ता। पोस्टल रिफॉर्म्स करे इन्होंने, पोस्टल में सुधार करे। फर्स्ट इश्यू ऑफ द इंडियन स्टैंप इन कराची इन 1854 में विद द पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट कौन लाया? लॉर्ड डलहौसी। विडो रिमैरिज एक्ट 1856 किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड डलहौसी में। विडो रिमैरिज एक्ट, लॉर्ड डलहौसी जो इसमें मेन व्यक्ति थे जिसकी वजह से ये हुआ, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, विडो रिमैरिज एक्ट 1856 किसकी वजह से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौसी। स्टार्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की एंड मेड शिमला द समर कैपिटल ऑफ इंडिया। इन्होंने स्टार्ट करवाया इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में शिमला, और शिमला को बनाया समर कैपिटल ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट 1853 आया इनके टाइम पे। सिलेक्शन टू सिविल सर्विसेज थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चार्टर एक्ट 1853। स्टार्टेड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ग्रैंड ट्रंक रोड वर्क हार्बर ऑफ कराची
बॉम्बे एंड कलकत्ता डेवलप्ड। ग्रैंड ट्रंक रोड दोस्तों किसने बनाया था, ये हिस्ट्री का सवाल है। ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था शेर शाह सूरी ने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ये डलहौसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया याद करने की शॉर्ट ट्रिक, BMAESD, इसे याद कर लिया तो इससे क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी से बेंटिक, एम से क्या होगा, एम से मैटकैफे, ए से ऑकलैंड, ई से एलनबोरो, एच से हार्डिंज, डी से डलहौसी। इनका कार्यकाल था 1828 से 35, 7 साल तक का इनका, 1 साल का 35 से 36 इनका, 6 साल का 36 से 42 का, 2 साल का 42 से 44 इनका, 4 साल का 44 से 48 और डलहौसी का 8 साल का 48 से 56। तो दोस्तों ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको पसंद आई तो देखिए, वरना आप अपनी भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं जो आपको याद रहे। थैंक यू।